या गजेंद्र सिंह शेखावत अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और आज कई मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के लिहाज से गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय काफी फायदेमंद है, जो कि इन्हें दोनों मिले हैं। राजस्थान पर्यटन और संस्कृति के लिए जाना जाता है और ऐसे में राजस्थान से आने वाले सांसद को ही ये मंत्रालय मिला है, जिसके बाद राजस्थान के पर्यटन से जुड़े लोगों को गजेंद्र सिंह शेखावत से काफी उम्मीदें भी। और आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। जोधपुर से सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत और एक बार फिर से मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह हासिल कर ली है। तो ये तस्वीर आपके सामने, और आज इससे पहले हमने आपको भूपेंद्र यादव की तस्वीरें दिखाई थी, वो भी पदभार ग्रहण उन्होंने अभी किया है। और आज कई ऐसे मंत्री हैं जो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो राजस्थान के चार सांसदों को मोदी ने मंत्री बनाया है, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, भूपेंद्र यादव, और उनमें से एक गजेंद्र सिंह शेखावत पर ये मोदी ने फिर से भरोसा जताते हुए एक बार फिर से कैबिनेट रूम में एंट्री मिल गई। और ये देखिए अपने परिवार के साथ जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अब मोदी 3.0 नए मंत्रिमंडल में फिर से उनका स्वागत किया गया। और जोधपुर जीत की हैट्रिक लगाने के बाद आज गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मंत्री बनने हैं, तो ये हैट्रिक उन्होंने लगाई। भारत के मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। देश के मतदाताओं का ये विवेकपूर्ण निर्णय देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लबरेज कर भारत विकसित हो सकता है इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। माननीय मोदी जी की सरकार निरंतरता की पहचान रखने वाली सरकार है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में उनके विजन के अनुरूप जिस तरह से देश में कला संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मित है, चकित है, विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें, इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये सुना आपने गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से सांसद और तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में इनको जगह मिली है और लगातार अपने प्रयास के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। और क्योंकि इन्हें संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय मिले हैं, दो मंत्रालय में ये रहे हैं, और इसी को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए